फेसबुक पर ही, आजकल फेसबुक ही में ही सबसे ज्यादा जहर फैलाया जा रहा है। मेरे ही एक मित्र जिनके साथ मैंने उसी कॉलेज में, जिस कॉलेज में आप लोगों ने पढ़ाई करी है, उसी कॉलेज में जिसके साथ मैंने पढ़ाई करी थी, मेरा क्लासमेट, मेरा बैचमेट, मेरा बहुत अच्छा दोस्त जिसके साथ हम उठे बैठे खाए पिए हैं, और वो उसने मेरे एक वीडियो जो कि मेरा व्लॉग वीडियो था, वो भी कोई पॉलिटिकल वीडियो नहीं था, एक व्लॉग वीडियो था हंसी मजाक का, उसके नीचे एक ऐसा गलत कमेंट किया कि मैं मतलब मुस्लिमों की इतनी तरफदारी क्यों करती हूँ, ब्राह्मण समाज की नाक कटा रही हूँ, इस तरह की बातें क्यों मतलब उसने लिखी। और उस व्यक्ति को मैं जानती हूँ, जैसे अभी आपने कहा कि कोई अपना करता है तो एक चीज प्रज्ञा जी, मुझे ऐसा लगता है जैसे सैफ और हम लोग साथ पढ़ते थे तो हमारे बीच से कई लोग बीजेपी के पदाधिकारी हो गए हैं, है ना, ठीक ठाक पदाधिकारी हो गए हैं, और कई लोग अभी भी पत्रकार हैं, कई लोग कुछ और किसी और फील्ड में चले गए हैं। तो मुझे जैसा लगता है कि जैसे सैफ ने जैसे जिक्र किया, नाम नहीं लेंगे, ठीक है, लेकिन फिर भी मुझे जैसा लगता है कि अपनी ही पार्टी में अपने ही बड़े नेताओं को या उन नेताओं को जो उनका भला कर सकते हैं उनको खुश करने के लिए वो ऐसा लिखते हो कि ये फलाने जो धर्म के लोग हैं ये है, और यहाँ पर अभी फिलहाल तो कड़ा में है लेकिन पूरा चुनाव यात्रा पर निकले हैं, और भरत जी के पुराने दोस्त, यार, भाई कह लें या जिगरी बोल दें, सब कम पड़ेगा। और मुझे भी मिलके सैफ भाई से बहुत खुशी हुई, आई तो थी सैफ जी बोला था, लेकिन आने के बाद जब मिली तो दिल ने कहा कि सैफ भाई बोल दें। ये सैफ भाई हैं, हम लोगों के साथ पत्रकारिता संस्थान में पढ़ा करते थे, और लगभग 10-11-12 साल बाद हम लोग मिले हैं। तो अभी चर्चा हो रही थी कि किस तरीके से 11-12 सालों में समय बदल गया है, ये कुर्ते में आ गए हैं, ये कुर्ते में आ गए हैं, ठीक है, और मैं कोट में आ गया हूँ, ये तो जाड़ा लग रहा है इसलिए पहन लिया है। ये कुर्ते में आ गए हैं और हम लोग वही पत्रकारिता कर रहे हैं, छोटा मोटा काम। तो इस दरमियान 11 सालों में इन्होंने क्या देखा है, बचपन की कहानी बता रहे थे किस तरीके से हिंदू और मुस्लिम हो गया है, लेकिन इनका जो नाम रखा वो एक ब्राह्मण फैमिली ने रखा, एक पंडित जी ने रखा, कैसे रखा आप सैफ भाई बताएं। इनके पिताजी जो है पुलिस में रह चुके हैं, अभी रिटायर्ड हो गए ना, अभी रिटायर हो गए, और कैसे इनका नाम पड़ा, ये है मुस्लिम, मोहम्मद सैफ इनका नाम है, लेकिन इनका नाम हिंदू नाम है, कैसे पड़ा आप तुम आगे बताओ। एक्चुअली भरत, अब तुझे क्या बताऊँ, प्रज्ञा जी को ही बताता हूँ, तुझे तो पहले ही बताता हूँ। तो प्रज्ञा जी, हुआ क्या कि हमारी मतलब अब्बू की पोस्टिंग लखनऊ थी, तो बचपना मेरा इटावा ही भी था, तो हुआ क्या था, अब उस वक्त मैंने चलना बोलना सब इटावा में ही सीखा है, हाँ, और इटावा में हमारी जो पुलिस लाइन में फैमिली थी, इकलौती मुस्लिम फैमिली सिर्फ हमारी थी, बाकी सारे नॉन मुस्लिम थे, लेकिन वहाँ का माहौल इतना अच्छा था, जो ऊपर एक अंकल जी रहते थे, पंडित जी अंकल, तो अब नाम तो मुझे नहीं ध्यान क्योंकि हम लोग हमेशा अंकल ही अंकल करते थे, तो पंडित जी अंकल जी की एक आदत थी, क्या थी, सुबह सुबह क्योंकि नल में पानी आ रहा होता था तो ऊपर उनके यहाँ पानी नहीं आता था, तो अंकल जी रोज़ सुबह बाल्टी लटका देते थे, और लटकाने के बाद क्या बोलते थे, मुन मुन करके खिलाया करते थे, ये रोज़ का सिलसिला था, और जिस दिन ना देखे तो वो फिर से आवाज़ लगाए, मुन मुन कहाँ है, तो मुन मुन से कब मोनू बन गया तो वो कब पता ही नहीं चला, लेकिन हाँ बड़ा अच्छा लगा क्योंकि वहाँ का माहौल, जितना इटावा के बारे में लोग कहते हैं कि ऐसा है वैसा है, लेकिन पुलिस लाइन का माहौल, सच्चाई ये है कि इतना अच्छा माहौल था उस वक्त, हम लोगों को ये नहीं पता था कि गाली क्या होती है, हिंदू क्या होता है, मुसलमान क्या होता है, जब अम्मी और अब्बू हमेशा हम लोगों को छोड़ के भाई अंकल आंटी के पास छोड़ देते थे, तो छोड़ने के बाद क्या होता था, अंकल आंटी हम लोगों को हफ्ते भर, महीने भर, कई बार अपने साथ रखते थे, एकदम इस तरह से रखते थे कि बच्चे हैं हमारे, और याद भी नहीं आती थी माँ बाप की, क्योंकि वो माँ बाप के रूप में मिले हुए थे, और कई बार ऐसा हुआ, कोई एक बार का सिलसिला नहीं है। फिर क्या हुआ कि अब हमें आज भी मेरी याददाश्त बचपन की बड़ी स्ट्रॉन्ग है, तो मुलायम सिंह जी आए रहते थे, मुलायम सिंह जी आते थे क्योंकि डेली बिल्कुल घर के पास में ही मुश्किल से 200 मीटर की डिस्टेंस पे हेलीपैड था, तो हम लोग दौड़ते दौड़ते जाया करते थे, छोटे से तो थे, और ये कहते थे, बचपना बड़ा मासूम होता है, कहते थे कि मुलायम सिंह जी पेशाब करने आए, यही होता था, और जाते थे लिटरली। मुझे आज भी याद है कि मैं बचपन में नेताजी से हाथ मिलाया करता था, अब उस वक्त तो नहीं पता था कि कौन से नेताजी हैं,
बस इतना पता था कि मुलायम सिंह जी हैं, नाम याद था। तो अब वहाँ पे एक मंदिर था पुलिस लाइन के अंदर, खेलते खेलते पहुँच जाए तो वहाँ हनुमान जी का मंदिर था, वहाँ आज भी मुझे याद है। फिर वहाँ हम लोग, जो मेरा एक दोस्त था मोहन चोटी, उसका नाम रखा हुआ था, एक दीपक था, तो मोहन चोटी को हम लोग मोहन चोटी कहते थे, उसका नाम ही नहीं याद अब तो। तो जब जाते थे तो बांट लिया करते थे, ये तेरे हैं, तो बहुत लंबी बता रहे हो, ये हनुमान जी मेरे हैं, थोड़ा शॉर्ट में आओ, हाँ। आज तक आओ तो वही रह गए। वो समय अलग था, लेकिन आज तो वो समय, जैसे आपने कहा बताया कि आप मंदिर चले जाते थे और भगवान से कहते थे शिव जी तुम्हारे और गणेश जी मेरे और दुर्गा जी तुम रख लो, ठीक है इस तरीके से बच्चों का खेल चला करता था। आज तो माहौल इतना बर्बाद हो गया है सर भाई, आपने देखा होगा कि अगर बच्चे मंदिर चले जाते हैं तो यति जैसे अधर्मी कहूंगी उसे तो मैं, अधर्मी लोग क्या कुछ करते हैं, तो माहौल बदल गया है। मैंने देखा कि अपने दोस्त, मैं अभी आपसे हमारा यही जिक्र हो रहा था भरत जी, कि अपने खुद के दोस्त कैसे बदलते चले गए, माहौल बदलता चला गया साहब भाई। फर्क है, हाँ। फर्क है, जब हमने कॉलेज में, हाँ। जब एंट्री ली, हाँ, हाँ। तो ये वही दोस्त थे जो अगर मैं रोजा ना रखूं या जुमे की नमाज ना पढ़ने जाऊं तो वो दोस्त मुझे गाली देते थे कि तू कैसा मुसलमान है, हाँ। तू नमाज नहीं पढ़ने गया, तूने रोजा नहीं रखा, और जिस दिन मैं रोजा रख लूं तो वही मेरे दोस्त किसी अनजान आदमी को भी मेरे पास सिगरेट नहीं पीने देते थे। हाँ, ये सच्चाई है कि नहीं, उसका रोजा है, उसका रोजा मकरूह हो जाएगा। ये मेरे वो दोस्त हैं। और फिर हम लोग जब पिकनिक पे जाते थे तो एक दूसरे से, या कहीं कैंटीन में बैठे होते थे तो कई बार होता था, उस वक्त पॉकेट मनी इतनी ज़्यादा नहीं होती थी, तो होता क्या था कि अगर एक समोसा लिया है तो कहो खाने का मुँह में रख तो लिया है, लेकिन वो क्या करते थे, छीन लेते थे मुँह से बाहर और खा जाते थे। तो उस वक्त लगता था ये दोस्त नहीं है, सगे भाई। और आज जो माहौल में जहर घोल दिया गया है, आज वही दोस्त जो मेरे लिए लोगों से लड़ जाते थे या लोगों को गाली बक देते थे या लोगों को टोक देते थे कि नहीं उसका रोजा है, आज वही दोस्त जो कभी हिंदू मुसलमान की उनके सामने बात नहीं करते थे, आज उन्हीं दोस्तों की फेसबुक पे पोस्ट देख लो ना तो तकलीफ होती है कि यार ये मेरा वही दोस्त है या मेरा ये वही भाई है जो मेरे लिए कुछ भी करने को तैयार था या मैं इसके लिए कुछ भी करने को तैयार था, आज कहाँ गया मेरा भाई। तो आज जो माहौल में जहर घोल दिया गया, उसे ये एहसास दिला दिया गया कि नहीं तू हिंदू है और मैं एक मुसलमान हूँ। इसी माहौल के पहले तो ऐसा कभी नहीं हुआ, तब एक चीज़ होता था यही दोस्त मेरा भाई है और वो मर मिटने को भी तैयार होते थे, लड़ाई लड़ते थे बेमतलब की लड़ाई, पर आज नहीं है वो माहौल, आप देख रहे हो। इंसान सोचने लगा है कि मैं हिंदू हूँ और वो मुसलमान है, पहले तो पता भी नहीं चलता था कौन हिंदू कौन मुसलमान कौन सिख कौन दलित कौन क्या, आदमी मतलब माहौल बिल्कुल बदल चुका है। जैसे अभी हम लोग यहाँ पर बैठे हैं, हमने किसी का नाम नहीं जाना, मैंने तो अभी तक नहीं नाम नहीं पूछा किसी का, लेकिन दोस्त बातें तो इतनी देर से चल रही हैं, पता ही नहीं चल रहा है, यही होना चाहिए। एग्जैक्टली क्यों अब ये भरत है, हाँ? आज हम कितने सालों बाद मिले, पर क्या इसने मुझे ये एहसास होने दिया कि ये कौन है, हाँ? या मैंने इसको तो नहीं एहसास होने दिया कि मैं कौन हूँ, हमें सिर्फ इतना याद था। आज हमने कहाँ से शुरुआत की यार, कॉलेज की। मैंने अभी आपको एल्बम भी दिखाया कि हमारी बेटी को मैं अपना एल्बम दिखा रहा था, भले वो ना समझे, पर मैंने वो फोटो क्यों क्लिक की, कभी भी दोस्त मिलेगा तो मैं दिखाऊंगा, देख मैंने अपने बच्चों को तेरी फोटो दिखाई, क्या तूने दिखाई? तुम्हें क्या लगता है ऐसा क्यों हो रहा है? ये माहौल, ये जो जहर घोला गया है माहौल। अच्छा, हम नहीं बदले, हम हिंदू, हम जैसे बहुत रेयर है, हम अपवाद कर रहे हैं। मैं नहीं बदली तो पढ़ता ही नहीं। मैं तो मुझे तो मेरी कुछ लोगों ने बेदखल कर दिया है मुझे, हाँ, लेकिन मुझे तो पता नहीं क्या क्या बोलते हैं लोग। अच्छा है कि ऊपर वाले ने हमें इतनी सद्बुद्धि दे रखी है कि हम आज भी वही हैं। नहीं, तुम्हें क्या लगता है कि ऐसा बदलाव लोगों के मानसिकता में क्यों आई? क्यों जो मौजूदा सरकार है या मौजूदा हालात है कि हर वक्त वही हिंदू मुस्लिम, वही हिंदू मुस्लिम, वही हिंदू मुस्लिम। अरे यार, हम कभी क्या किसी ऑर्बिट तो टॉपिक पे बात कर सकते हैं ना? क्या एक बात बताओ, क्या देश को आज़ाद कराने में सिर्फ एक ही समुदाय आगे बढ़ा? नहीं ना। उसमें जो क्रांतिकारी थे, क्या उन्होंने ये पूछा था, ए भाई तू क्रांतिकारी है तो अच्छा, मेरे साथ जंग लड़ेगा? ये माहौल अच्छा लग रहा है, उधर अजान हो रही है ना, हाँ। और इधर हमारे ठीक बगल में शीतला माता का, हाँ। बहुत बड़ा मंदिर है, बहुत प्राचीन है, वीआईपी बहुत प्राचीन है ना। सच्चाई ये है भरत कि अगर हम राजनीति को इंसानियत से परे रखें थोड़ा थोड़ी देर के लिए,
तो यकीन मान लो कोई भी इंसान एक दूसरे से अछूता नहीं है, सबको लगता है कि हाँ यार ये मेरा ही भाई है, ये मेरी बहन है बैठी हुई है। एक बात बताओ, ये अकेली महिला है, हम सबके बीच में बैठी हुई, सुरक्षित है, क्यों? उसे ये लग रहा है कि इनमें कोई मेरा भाई है, कोई मेरा दोस्त है और कोई मेरे बच्चे की तरह है, उनको ये एहसास है ना। अगर यही सब चीजें हम भूल के अगर यही सिर्फ अपने दिमाग में रखें तो माहौल ऐसे ही खुश मिजाज रहेगा, तब हम ये नहीं देखेंगे ना कि फला कौन है ये कौन है, बस यही फर्क है। तो हमें चाहिए कि जो हम पहले वही बन के रहेंगे तो हम हमेशा खुश रहेंगे। एक चीज प्रज्ञा जी, मुझे ऐसा लगता है जैसे सैफ और हम लोग साथ पढ़ते थे तो हमारे बीच से कई लोग बीजेपी के पदाधिकारी हो गए हैं, है ना, ठीक ठाक पदाधिकारी हो गए हैं, और कई लोग अभी भी पत्रकार हैं, कई लोग कुछ और किसी और फील्ड में चले गए हैं। तो मुझे जैसा लगता है कि जैसे सैफ ने जैसे जिक्र किया, नाम नहीं लेंगे ठीक है, लेकिन फिर भी मुझे जैसा लगता है कि अपनी ही पार्टी में अपने ही बड़े नेताओं को या उन नेताओं को जो उनका भला कर सकते हैं उनको खुश करने के लिए वो ऐसा लिखते हो कि ये फलाने जो धर्म के लोग हैं ये ऐसे हैं। सुनिएगा, वो खुश हो जाएंगे तो हम एक बात बताओ, हमको खुश करने के लिए ये कौन सी खुशी है यार कि मैं आका को खुश करने के लिए अपने भाई से बगावत कर बैठूं? प्रोग्रेस, मैं इसे बेहतर नहीं समझता। अगर अच्छा मैं भी ये बात बोल रही हूँ, अब मैं इस सैफ भाई के बात से इत्तेफाक इसलिए रख रही हूँ क्योंकि अभी से कुछ 3 दिन पहले मेरे साथ यही हुआ था, जो मैंने आपको एक पोस्ट दिखाई थी फेसबुक पर ही, आजकल फेसबुक ही में ही सबसे ज्यादा जहर फैलाया जा रहा है। मेरे ही एक मित्र जिनके साथ मैंने उसी कॉलेज में, जिस कॉलेज में आप लोगों ने पढ़ाई करी है, उसी कॉलेज में जिसके साथ मैंने पढ़ाई करी थी, मेरा क्लासमेट, मेरा बैचमेट, मेरा बहुत अच्छा दोस्त जिसके साथ हम उठे बैठे खाए पिए हैं, और वो उसने मेरी एक वीडियो जो कि मेरा व्लॉग वीडियो था, वो भी कोई पॉलिटिकल वीडियो नहीं था, एक व्लॉग वीडियो था हंसी मजाक का, उसके नीचे एक ऐसा गलत कमेंट किया कि मैं मतलब मुस्लिमों की इतनी तरफदारी क्यों करती हूँ, ब्राह्मण समाज की नाक कटा रही हूँ, इस तरह की बातें क्यों मतलब उसने लिखी। और उस व्यक्ति को मैं जानती हूँ, जैसे अभी आपने कहा कि कोई अपना करता है तो तकलीफ हो, मतलब तकलीफ क्या, हाँ आप समझ जाते हो कि वो उस तरह का है। इसमें एक चीज, एक बात बताइए, अभी आप छोटी बहन की, आप छोटी बहन है, भरत मेरा भाई है, अच्छा एक बात बताओ, हम किससे उम्मीद रखते हैं? अपनों से। मैं अपनी बहन से उम्मीद रखूंगा, मैं अपने भाई से उम्मीद रखूंगा? हमेशा तकलीफ वहाँ होती है जब हम किसी से एक्सपेक्टेशन रखते हैं। क्यों? मेरा भाई भरत मेरा भाई है, मेरी उम्मीद इससे कुछ बेहतर की, अगर क्यों मैं इससे बेहतर की उम्मीद कर रहा हूँ, अगर ये कुछ गलत बोलेगा तो मुझे तकलीफ होगी, थर्ड पर्सन क्या बोलता है मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है, क्यों? वो मेरा कोई नहीं है, ये फ़र्क है। तो यही तकलीफ है, और बाकी तो हम सबको चाहिए कि अगर हम सब टाइम टाइम से, हम ये नहीं कहते कि हम इकट्ठा बदलाव नहीं ला सकते, लेकिन हम एटलीस्ट इतना तो हम कर ही सकते हैं ना कि हम जहाँ बैठे समाज में एक अच्छी बात रखें, हमने दिल की बात रखी, एक मैसेज दें। हाँ, एक वीडियो जो इस वक्त पर ये ब्लॉग जैसा शूट हो गया है, अवधेश ने अचानक से कैमरा निकाला और उसको लगा कि ये बातें बहुत अच्छी है, हालांकि अवधेश हमसे बहुत छोटी उम्र का है, लेकिन उसको भी इतनी समझ है, उसको भी इतना पता है कि देश में सर्वधर्म संभाव वाली बातें होनी चाहिए। तो भरत जी, अभी तो आपने कहा कि चलिए वो तो अपने आकाओं को खुश करने के लिए ऐसे करते होंगे, लेकिन मैं जिसकी बात बोल रही हूँ वो तो किसी पार्टी से जुड़ा हुआ अच्छा, नहीं, मतलब एक नाम के आगे एक विशेष टाइटल है अच्छा, जो मैं यहाँ पर रखना नहीं चाहती क्योंकि उसके बहुत अच्छे लोग भी हैं जिनसे मेरी बातचीत। इस वक्त मुझे मैं भी समाजवादी पार्टी से एक बड़ा पदाधिकारी हूँ, हाँ, लेकिन क्या भरत से मिलने से, भरत से जब मैं मिला या आपसे मिला, मैंने क्या किया? मैंने अपने भाई से भाई की तरह मिला। क्यों? मुझे अपने वो दिन याद आए कि यार बहुत साल हो गए यार, पूछे भरत से, मैं हम लोग वहाँ भी खड़े होके ये बात कर रहे थे, यार मिले भी तो इतनी भसड़ में बोला ना मैं कहा यार मिले भी इतने साल बाद तो इतनी भसड़ में, एटलीस्ट साला खुल के बात भी नहीं कर सकते। इतनी भसड़ का मतलब है सैफ का कि हम लोग चुनाव यात्रा पर हैं, हाँ, और इस समय कौशाम्बी में हैं, क्या जगह क्या नाम है, कौशाम्बी के कड़ा में बैठे हुए हैं, कड़ा में बैठे हुए हैं, हाँ, और चुनाव यात्रा का समय चल रहा है, अलग अलग जिलों में हम लोग घूमते हैं, अभी शाम का 7:30 बज गया है। वरना यकीन मानिए, हम भरत और हमारे पुराने कॉलेज के दोस्त, हम लोग नोएडा में एक साथ इकट्ठे होते तो ऐसी आफत मचाते थे, पूछे भरत से रात भर कहीं इसके फ्लैट में कहीं मेरे फ्लैट में, फिर तो हुड़दंग मचा होता था। तो आज वो टाइम हम याद करते हैं, पर उन्हीं में से कुछ लोग इस तरह के हो गए कि आज उनकी पोस्ट देख के लगता है कि यार ये वो है। तो मैं ये मानती हूँ ये बहकाए हुए लोग नहीं है सर,
सैफ भाई, मुझे लगता है कि उनकी छुपी हुई या दबी हुई मानसिकता थी जो वो कभी बाहर नहीं ला पाए, अब उनको ये मौका मिल गया कि हाँ अब खुलकर आ सकते हैं। ये कह सकते हैं, तो मैं ऐसे लोगों को बहका हुआ अब ये। अच्छा एक बात बताइए, मैं कह रहा हूँ तो फिर इतना बनावटी होने की जरूरत क्या है, कौन सा दबाव है आप पे? नहीं तब ये होता है, तुमने सुना है ना साहब कि जब पुरानी चोट होती है तो वो अपने मौसम पे, मतलब जब जाड़ा आता है तब दर्द, तब दर्द करती है, तो उनका मौसम आया। ये कह सकते हो कह सकते हो कि दर्द कर रही है, ये वो बरसाती मेंढक है जो बारिश आने पे टर टर करते हैं, उसके बाद कहाँ गायब होते हैं पता ही नहीं चलता। एग्जैक्टली ये बात सही है, लेकिन ठीक है, लोगों से देश की जो खूबसूरती है वो नहीं, वो नहीं बदल पाएगी या वो कम नहीं हो पाएगी, क्योंकि इसी देश में हम आप जैसे कई तादाद में लोग हैं और वो चंद लोग हैं जो हमारी एकता को या हमारे प्यार को खराब नहीं करते। सही बात है, सही बात, और हम ऐसे ही साथ रहेंगे और जो जलते हैं वो जलते रहे। देखिए जलने का तो कोई इलाज नहीं है उनका भैया, जाओ हमारे तो हमारे गाँव में एक कहावत कही जाती है, अगर आपको इस बात से तकलीफ है तो जाओ अपने घर में दो रोटी ज्यादा खाओ, क्या फर्क पड़ता है। तो ठीक है हमारी अपनी सोच है, हाँ हम अपनी सोच ना बदले, हम ये दुआ करते हैं ऊपर वाले से कि एटलीस्ट हम जो कायदे के लोग हैं, लेकिन मानिए मैं अपने साथ के। अच्छा, हमारी क्या सोच है इस वक्त पर, जो लोग देख रहे होंगे वो ये भी सोच रहे होंगे हमारी क्या सोच है सैफ भाई, बताइए। हमारी यही सोच है ना कि हम सब एक रहें, एक रहें, एक दूसरे की मदद के लिए आगे बढ़े, जो खूबसूरती एक दूसरे एक होने में है वो हमें खिलाफत करने में तो नहीं है। अगर हम आपको दो शब्द बुरा कहें तो आपका भी तो दिल बुरा होगा ना, तो आप भी कितना बर्दाश्त करोगे, अपने अंदर की इंसानियत कितनी देर तक बचाए रखोगे, कुछ ना कुछ तो आप भी बुरा, तो वो माहौल बुरा होगा। तो हम सबकी कोशिश यही होनी चाहिए कि हम प्यार से एक दूसरे को इज्जत दें, क्योंकि देखिए हम इंसान हैं, ठीक है, हम चंद लोगों के बहकावे में हम क्यों आपस में लड़ रहे हैं, और हमें खूबसूरती देखनी चाहिए। ये वो भारत है जहाँ आज भी, जब मैंने बताया ना कि जब मैंने पहले रोज़ा रखा था बचपन में, जो मेरा पहला रोज़ा था, तो हमारा थाल भरा जाता है जलेबी और लड्डू से, तो अब वहाँ तो कोई मुस्लिम नहीं थे, मैं तो सारे जितने नॉन मुस्लिम अंकल थे मैं उन लोगों के आ गया, उन्होंने मुझे इतने पैसे दिए और बड़ी दुआ दी और बड़ी हिम्मत अफजाई की, क्यों, इतने छोटे से बच्चे ने इतना बड़ा काम किया। तो वो खूबसूरती आज भी मेरे जहन में बसी हुई है, वो बचपन की यादें हैं मेरी। तो सोचिए आज भी मैं कह रहा हूँ मैं उन दोस्तों को नहीं भूल पाया, और मेरी ख्वाहिश है कि मैं उन दोस्तों से भी कहीं तो मिलूं, क्योंकि उनका कांटेक्ट नंबर नहीं है, बहुत साल हो गए, अब तो सब बड़े बड़े भी हो गए, बचपन में एक दूसरे का चेहरा। तो ठीक है हम सबको, मैं तो ऊपर वाले से यही हमेशा फेसबुक पे जुड़े हो उनसे तो मिलो। यार देख एक बात बताऊँ, अच्छा एक बात बोलूँ कि अगर देख हम दोनों में मोहब्बत थी, हम दोनों मतलब सिर्फ हम दोनों से नहीं है, हम जैसे कई हैं, कि जब बात हुई तो बात होने के बाद क्या हुआ, इसने कहा मैं हफ्ते भर के अंदर आ रहा हूँ, अब सोचो प्रोग्राम आप लोग कहीं और करने जा रहे हो, ये यहाँ आया तो सिर्फ मेरी मोहब्बत में तो आया ना, हाँ कि मैं मिलता हुआ चलो जाऊँ, और मुझे सोचो उस बात की कितनी खुशी हुई होगी कि यार मेरा भाई आज इतने साल बाद मुझसे मिलेगा, मेरा दोस्त। और यकीन मानिए अब तो ऐसी जगह पड़ गई, वरना हम लोगों की बातें तो कुछ और ही तरह की होती है। अल्फाज भी इतने नजाकत भरे नहीं होते, अल्फाजों में कुछ सब भी होते और मजा भी उसी का है, मजा भी उसी का है, बस वही चीजें हैं। हम क्या बताएं, हम सिराथू में हैं और यहाँ पर अभी फिलहाल तो कड़ा में हैं, लेकिन पूरा चुनाव यात्रा पर निकले हैं, और भरत जी के पुराने दोस्त यार भाई कह लें या जिगरी बोल दें सब कम पड़ेगा, और मुझे भी मिलके सैफ भाई से बहुत खुशी हुई। आई तो थी सैफ जी बोला था, लेकिन आने के बाद जब मिली तो दिल ने कहा कि सैफ भाई बोल दे। नहीं अच्छा है, एक अपने पन वाला रिश्ता होना चाहिए, फॉर्मेलिटी क्या करना, कौन सा मैं एक दूसरे से इतना दूर है या फिर इतना वो, जब लगे कि एक दूसरे की इज्जत है तो भाई बहन भाभी तमाम तरीके के रिश्ते हैं जिस रिश्ते में। तो ये बता दूं कि अभी चुनाव के तमाम अलग अलग वीडियोस आपको दिखते रहेंगे, और देश का उत्तर प्रदेश का मूड क्या है वो आपको दिखाते रहेंगे, तो जुड़े रहिएगा हमारे एक एक वीडियो को चिपक के देखते रहिएगा। नमस्कार।